أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد My dear viewers, listeners, students, I say you welcome and assalamu alaikum in the series of my lectures. Our today's lecture has been taken from the Pakistan Penal Code 1860 and the today's topic is defamation. डेफामेशन का उर्दू में तर्जुमा बेइज्जती या हद तक इज्जत किया गया है तो आइए लेक्चर का बाकायदा से आगाज करते हैं डेफामेशन इज दैट विच टेंड्स टू इंजर रेप्यूटेशन जैसे मैंने आपसे कहा कि हद तक इज्जत के बारे में ये बात है तो इसलिए यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि डेफामेशन से मुराद ऐसा जुर्म है जो कि किसी की इज्जत को नुकसान पहुंचाता है या किसी की इज्जत को नुकसान पहुंचाने को डेफामेशन कहते हैं रेलेवेंट प्रोविजन सेक्शन 499 डील्स विद द ऑफेंस ऑफ डेफामेशन दफा नंबर 499 ताजीरात पाकिस्तान हतक इज्जत से मुतालिक जराइम से है एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स इस जुर्म के करने के लिए या इस जुर्म के मुकम्मल होने के लिए कौन से ज़रूरी लवाजमात हैं कौन से एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं इट मे बी क्रिमिनल एज वेल एज सिविल रॉन्ग डेफामेशन को क्रिमिनल और सिविल दोनों हवालों से जुर्म गर्दाना गया है जुर्म ठहराया गया है डेफामेशन इज ऑफ टू forms namely slander and libel defamation ko yani ke had tak ke izzat ke jurm ko mazid do hisson mein taqseem kiya gaya hai ek ko slander kehte hain dusre ko libel kehte hain yun to इन दोनों फ्रेजेस के बारे में काफ़ी सारी डिटेल मौजूद है लेकिन हम जल्दी से इन पे एक नज़र डाल लेते हैं कि आया इनके मतालिब क्या हैं इट इंक्लूड्स बोथ लाइबल एंड स्लैंडर लाइबल से मुराद बदनामी की अशात करना पब्लिकेशन ऑफ दी injury to the someone's reputation जबकि slander से मुराद बदजबानी बदगोई या oral expressions which injures someone's good reputation तो ये एक छोटा सा फर्क था दोनों के दरमियान में इनके पीछे मकसद क्या होता है with intention to cause harm to a noble's reputation इनके पीछे मकसद ये होता है नीयत ये होती है कि किसी शरीफ आदमी की इज्जत को नुकसान पहुंचाया जाए फिर एक और लफ्ज इस्तेमाल होता है imputation जिसका मतलब है इल्जाम लगाना on a respectable person without any cause या without any reason बगैर किसी वजह के बगैर किसी सबूत के बगैर किसी जुर्म के किसी शरीफ आदमी के ऊपर इल्ज़ाम लगाने को imputation कहते हैं according to section 499 इसके फर्दर क्या essential ingredients है ज़रा वो भी मुलाहिज़ा फरमा लीजिए imputation का मतलब मैंने आपको बता दिया कि किसी नेक नाम इज्जतदार या रिप्यूटेड शख्स की बेइज्जती करना बदनामी करना बदनामी की इशात करना लिख कर करना बना कर करना या ज़बानी बोल कर करना किसी भी तरीके से या फिर ऐसे तरीके से जिससे कि मतलब लिया जाए कि ये फलां शख्स की बेइज्जती हो रही है या फिर ऐसे हकायक और या झूठे हकायक मैं उसको कहूँगा लेकर आना ऐसी झूठी वजूहात लेकर आना जिसके ऊपर लोग यकीन कर लें कि वाकई इस नेकनाम शख्स ने इस शरीफ शख्स ने ये बुराई
या ये बेइज्जती वाला काम किया है। तो बाय वर्ड्स ओरल और रिटन, जैसे कि इब्तिदा में आपको लाइबल और स्लैंडर के हवाले से इशारे दिए थे कि अल्फाज से किसी की बेइज्जती करना, और अल्फाज मुंह से बोल कर भी हो सकते हैं, जैसे कि एक्स वाई के लिए कोई बुरे अल्फाज कहे, और अल्फाज लिखे भी जा सकते हैं, जैसे एक्स वाई की बेइज्जती में कोई बुरे अल्फाज लिख कर उनकी इशात कर दे। बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशन से मुराद कैरिकेचर्स, कार्टून्स, खाके, नक्शे, डिज़ाइंस, हर ऐसी चीज़ जिसको के देखने के लिए पेश किया जा सके, इंस्क्रिप्शंस वगैरह। तो पुतले बना देना, ऐसी तहरीरात लिख देना किसी चीज़ से, किसी ऑब्जेक्टिबल गुड से मंसूब कर देना किसी शरीफ शख्स के बारे में, और फिर इन चीज़ों की पब्लिकेशन करना, इन चीज़ों की बाकायदा से इशात करना, इनको नशर कर देना, इनको शेयर कर देना, मीडिया की जो मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं उन पे ले आना, ताकि पब्लिक एट लार्ज तक ये जो झूठे बेइज्जती वाले अल्फाज हैं या डिज़ाइंस हैं या नमूने हैं या कार्टून्स हैं या लाइंस हैं या पुतले हैं वो पहुंच जाएं और लोग इस शरीफ नेकनाम शख्स को बुरा समझने लगें, या फिर अवामुन्नास में ऐसे झूठे हकायक या ऐसी झूठी वजूहात लेकर आना जिससे कि अवामुन्नास उस शख्स से नफ़रत करने लगें और उस शरीफ और ईमानदार और इज़्ज़त वाले शख्स को बेइज्जत समझने लगें। एक्सप्लेनेशन टू द सेक्शन, इम्प्यूटेशन अबाउट द डिसीज्ड पर्सन विच हर्ट्स द फीलिंग्स ऑफ हिज फैमिली। अच्छा, सिर्फ ज़िंदा शख्स के बारे में बदनामी या बेइज्जती नहीं की जा सकती, बल्कि एक मुर्दा शख्स के बारे में भी बदनामी और बेइज्जती की जा सकती है। अब यहाँ पर किसी का सवाल ये भी हो सकता है कि जनाब मुर्दा शख्स अपना डिफेंड कैसे करेगा, अपना डिफेंस कैसे करेगा, मुर्दा शख्स को इज्जत और बेइज्जती से क्या लेना देना। तो उसका जवाब यह है कि मुर्दा शख्स के जो ज़िंदा लवाहिकीन होंगे, रिश्तेदारान होंगे, जो उसके प्यारे होंगे, ऐसे अल्फाज से वो बेइज्जती या कमज़ोरी या हतक महसूस करेंगे। तो लिहाजा लॉ का ये मंशा नहीं है, कानून का मंशा नहीं है, कानून कभी भी इजाज़त नहीं देगा कि किसी मुर्दा शख्स की भी बेइज्जती या हतक इज़्ज़त की जाए। इम्प्यूटेशन कंसर्निंग कंपनीज, कंपनी भी एक लीगल बॉडी होती है, लीगल एंटिटी होती है, कंपनी की भी अपनी गुडविल होती है, शोहरत होती है, इज़्ज़त होती है, नेकनामी होती है, जिससे उसका बिज़नेस चल रहा होता है, जिसके ऊपर उसकी डिपेंडेंसी ऑफ बिज़नेस होती है, जिससे उसके कारोबार चलता है। तो लिहाजा कानून कभी भी इजाज़त नहीं देता कि जैसे किसी शख्स की बेइज्जती की जाए, हतक इज़्ज़त की जाए, बिल्कुल इसी तरह लॉ फॉरबिड्स द अदर सिटीजन्स दैट नॉट मेक the defamation for any company, imputation made ironically or alternatively, तंजिया तौर पर भी हत्या के इज्जत नहीं की जा सकती और किसी दूसरे तरीके से भी हत्या के इज्जत नहीं की जा सकती। मतलब यह कि हत्या के इज्जत करना हर तरीके से मना किया गया है और इससे रोका गया है। imputation must lower the morale, credit or respect of the person। अब ये victim के लिए एक क्राइटेरिया मुकर्रर किया गया है कि विक्टम उस सूरत में विक्टम कहलाएगा जबकि इम्प्यूटेशन ने, इल्ज़ाम ने, डेफमेशन ने, हतक इज़्ज़त ने उसके मोराल को या उसके क्रेडिट को या उसके क्राइटेरिया को या उसकी रिस्पेक्ट को या उसके पर्सन को या उसकी रिप्यूटेशन को या उसके कद को या उसके कारोबार को या उसकी हैसियत को या उसके अखलाक को किसी भी तरीके से डाउन किया हो और पब्लिक एट लार्ज उसको एक शरीफ आदमी के बजाय एक बुरा और कमतर शख्स समझना शुरू कर दें। एक्सेप्शन टू दिस सेक्शन, इम्प्यूटेशन ऑफ ट्रूथ इन द पब्लिक गुड। वो इल्जाम हरगिज इल्जाम नहीं होगा जो अवामुन्नास की अच्छाई के लिए लगाया जाएगा और वाकई में जिस शख्स के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है उसमें वो बुराई मौजूद हो, क्योंकि हमने कहा
कि जब किसी शरीफ और नेकनाम शख्स के ऊपर जिसमें वो बुराई मौजूद ना हो, वो हकीकत मौजूद ना हो, झूठी हकीकत उस पे ऊपर लगाई जाए, झूठा इल्ज़ाम लगाया जाए, तभी वो इल्ज़ाम होगा। लेकिन अगर किसी में वो बुराई मौजूद है तो फिर वो, और उस बुराई को इसलिए हाईलाइट किया जा रहा है कि अवामुन्नास उसके बारे में मोहतात हो जाए, तो फिर ऐसी बुराई हरगिज इल्ज़ाम ना होगी बल्कि अवाम के फ़ायदे में होगी। पब्लिक कॉन्डक्ट ऑफ द पब्लिक सर्वेंट, कोई सरकारी नुमाइंदा, कोई सरकारी मुलाजिम अगर अपने फ़राइज़ की अंजाम दही में ऐसा कोई इल्ज़ाम लगाता है तो वो भी हरगिज इस दफ़ा के तहत जुर्म ना होगा। कॉन्डक्ट ऑफ अ पर्सन टचिंग पब्लिक क्वेश्चंस, या फिर ऐसा शख्स जो कि अवामुन्नास के हवाले से कोई अवामी मामले पर, अवामी मसले पर बात कर रहा होगा, उसकी हैंडलिंग कर रहा होगा, और इस सूरत में किसी ऐसे शख्स के बारे में जिसमें वो बुराई मौजूद होगी उसकी तशहीर करेगा, ऐलान करेगा, तो वो भी सेक्शन से बाहर है। मेरिट्स ऑफ दी पब्लिक परफॉर्मेंस, फिर वही बात कि जहाँ पर अवामुन्नास मुतासर हो रहे हों तो उस हवाले से अगर किसी शख्स में कोई बुराई है तो उसको हाईलाइट किया जाए, तो उस सेक्शन के तहत जुर्म ना होगा। पब्लिशिंग द रिपोर्ट और प्रोसीडिंग्स ऑफ अ कोर्ट ऑफ लॉ, कोई शख्स था उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया, इल्ज़ाम के बाद उसको अदालत लाया गया, अदालत ने अपनी फाइंडिंग्स में लिखा कि वाकई ये इल्ज़ाम हकीकत है और इस शख्स में ये बुराई है, तो दूसरे दिन उस अदालती फैसले की तशहीर कर देना, उसको अवाम तक लाना भी जुर्म नहीं है। मेरिट्स ऑफ केस इन कोर्ट ऑफ लॉ, जब अदालत में मेरिट ऑफ द केस डिस्कस हो रहे होंगे, जुडिशल प्रोसीडिंग्स के दौरान किसी के ऊपर कोई इम्प्यूटेशन होती है तो वो भी डिफेमेशन की सूरत में नहीं होगी। सेंसर ऑफ अ पर्सन हैविंग अथॉरिटी ओवर अनदर मास्टर एंड सर्वेंट, ये मालिक और मुलाजिम के हवाले से बात हो रही है यहाँ पर, कि ऐसी सूरत में भी ये जुर्म नहीं होगा। एक्यूजेशन टू ऑथराइज्ड पर्सन, दैट इज पर्सन हैविंग अथॉरिटी, एक्यूजेशन टू मास्टर ऑफ सर्वेंट, फिर जहाँ पर कारोबारी रिश्ता आएगा मालिक और मुलाजिम का, तो उस हवाले से बात हो रही है। इम्प्यूटेशन फॉर प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ अदर, ताकि किसी दूसरे के हक की हिफाजत की जाए, तब भी टू कॉशन अदर पर्सन अगेंस्ट सम लॉस, ताकि अवाम को किसी भी होने वाले मुतवक्के नुकसान से महफूज रखा जाए, तो ऐसी सूरत में अगर किसी की कोई बुराई बयान की जाती है तब भी वो जुर्म ना होगा। पनिशमेंट, हु एवर डिफेम्स अनदर शैल बी पनिश्ड विद पनिश्ड विच मे एक्सटेंड टू 2 years और विद फाइन और विद बोथ। जो कोई भी किसी की हद के इज्जत करता है उसको 2 साल तक की सज़ा दी जा सकती है, या फिर जुर्माने की सज़ा दी जा सकती है, या दोनों सज़ाएं मिला के दी जा सकती हैं, डिपेंड्स अपॉन दी सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। ओरिजिनेटर ऑफ द डिफोमेटरी इम्प्यूटेशन मे एक्सटेंड टू 5 years और विद फाइन मिनिमम 100,000 और बोथ। ओरिजिनेटर ऑफ डेफिमेशन जो है उसको ज़्यादा सज़ा दी जाएगी जो कि 5 साल तक है, और जुर्माने की सज़ा भी दी जाएगी जो कि 1,00,000 रुपए से कम ना होगा, या फिर दोनों सज़ाएं भी दी जा सकती हैं। वो इसलिए कि ओरिजिनेटर का कसूर ज़्यादा है, पहले हतके इज़्ज़त का आगाज़ उसने किया था, फिर उसके बाद और लोगों ने उसको आगे बढ़ाना शुरू कर दिया, तो इसलिए उसकी सज़ा ज़्यादा होगी। प्रिंटिंग और इनग्रेविंग मैटर्स नोन टू बी डेफिमेटरी, पनिशमेंट अप टू 2 years और विद फाइन और बोथ। जो खुद तो किसी की हद के इज्जत नहीं कर रहा, लेकिन ओरिजिनेटर ऑफ द डेफमेशन के कहने पर लिख रहा है, बना रहा है, गोद रहा है,
तैयार कर रहा है डिफेमेटरी मटेरियल, तो उसको भी 2 साल तक की सज़ा हो सकती है या फिर जुर्माने की सज़ा हो सकती है सेक्शन 501 के तहत, या फिर दोनों सज़ाएं इकट्ठी हो सकती हैं। ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट, वैसे तो मोस्टली जो क्रिमिनल ट्रायल्स हैं उनका इनेकाद क्रिमिनल ट्रायल कोर्ट्स में ही होता है, मैजिस्ट्रियल कोर्ट्स में ही होता है, लेकिन डेफिमेशन का जुर्म जो है, इसके अलावा चंद एक और जराइम भी, तो उसके बारे में थोड़ी सी यहाँ पर तफसील जिक्र है। दिस ऑफेंस इज बेलेबल ऑफेंस, एक तो ये काबिल ज़मानत जुर्म है, नॉन कॉग्निजिबल एंड कंपाउंडेबल ऑफेंस, काबिल दस्तंदाजी नहीं है और काबिल माफ़ी भी नहीं है। ट्रायल ऑफ द ऑफेंस बाय द कोर्ट ऑफ सेशन एंड मस्ट डिसाइड विद इन द पीरियड ऑफ 90 डेज 502A, सेक्शन 502A के मुताबिक इस सेक्शन के तहत होने वाले जराइम को सेशन कोर्ट खुद डील करेगी और 90 डेज के अंदर अंदर इसको डिसाइड करेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि डेफिमेशन को समझना पढ़ना आपके लिए अब काफ़ी आसान हो गया होगा, और अब जब अब आप डेफिमेशन के सेक्शंस को पढ़ेंगे तो आपके लिए उसको समझना बहुत ही आसान हुआ होगा। अगर फिर भी समझ नहीं आई तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर लेक्चर अच्छा लगा, समझ आई, तो फिर इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि और लोगों का भी फ़ायदा हो। और जो साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए और साथ में बेल नोटिफिकेशन को प्रेस रखें ताकि नई आने वाली वीडियोस से भी आप अवेयर रहें, और चैनल को टाइम टू टाइम रिव्यू करते रहें, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारा लीगल मटीरियल मौजूद है जो कि हमारे जो न्यू ग्रेजुएट्स हैं, जो जूनियर लॉयर्स हैं, प्रैक्टिशनर्स हैं, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। इंशाल्लाह इसी जैसे किसी नए लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। जब तक मुझे इजाज़त दीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वस्सलाम।